नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गिल ट्रक बॉडी समाना पर। यहां इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक्सल लोड वेट, यहां पर जो फ्रंट एक्सल से लेकर लास्ट एक्सल तक कितना लोड कंपनी देती है, कितना हम उस पर वजन डाल सकते हैं, तो इस वीडियो में हम वो बताएंगे। सबसे पहले बात करें फ्रंट एक्सल में, जो फ्रंट एक्सल में टाटा की जो 4825 है उसकी हम बात करें तो 7 टन का लोड हम फ्रंट एक्सल पर डाल सकते हैं, और जो सेकंड एक्सल है वो भी स्टेयरेबल एक्सल है और उसके बाद उस पर भी हम 7 टन का यहाँ पर लोड इस पर डाल सकते हैं। और उसके बाद हम थर्ड एक्सल की बात कर लें तो ये डबल टायर लिफ्ट एक्सल दिया हुआ है, मांगे 4 टायर्स आपको लिफ्ट सिंगल लिफ्ट में दिए हुए हैं और इस पर हम 12.5 टन का यहाँ पर वेट डाल सकते हैं। और उसके बाद मेन एक्सल और डमी एक्सल यहाँ पर आ गया, इन दोनों को मिलाकर हम 21 टन वेट यहाँ पर इस गाड़ी में डाल सकते हैं। और टोटल 4825 में जो हमको GVW मिल रहा है बॉडी के साथ चेसिस के साथ, वो 47500 का वेट मिल रहा है। और उसके बाद जब हम बॉडी का वेट निकाल देते हैं तो आपकी मांग चली गाड़ी 34 टन पास कर जाती है। इसी हिसाब से अगर हम टाटा 14 टेरा की बात करें तो 14 टेरा में भी आपको यहाँ पर देख सकते हो 7 टन आगे एक्सल में और 7 टन फिर पीछे वाले एक्सल में, और जो लिफ्ट एक्सल है यहाँ पर भी आपको 7 टन की मिलने वाली है और फिर 21 टन यहाँ पर, और टोटल इसका 42 टन, 7 टन आपका 21 टन हो गया। और उसके बाद मेन टायर और डमी टायर में आपका 21 टन यहाँ पर होता है, तो 42 टन की पासिंग आपको यहाँ पर 14 चक्का में मिलने वाली है। तो ये था ये एक्सल का आपको लोडिंग वेट हमने बताया। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दबाना और साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।